अस्सलामुअलैकुम। आज मैं मज़ेदार कीमे की टिक्कियाँ बनाऊंगी। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ पे आधा किलो कीमा यूज़ कर रही हूँ। ये बीफ का कीमा है। 4 अदद हरी मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून सॉल्ट नमक एंड 1 टीस्पून गर्म मसाला होट स्पाइस, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, थोड़ा सा धनिया, 4 जवे लहसुन के और थोड़ा सा अदरक। इन सबको इसमें मिर्चें, धनिया, लहसुन अदरक और प्याज, इसे मैंने वो सारे मसाले ऐड करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च, गरम मसाला, होट स्पाइस, सॉल्ट, नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि ये मसाला इसमें अच्छे से मिक्स कर चूँकि अब मैं थोड़ा थोड़ा कीमा लेती जाऊंगी और मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूंगी। ये देखें, ऐसे गोल गोल टिक्कियाँ बना लेंगे हम। बारी बारी सारे कीमे की मैं टिक्कियाँ बना लूंगी। मैंने सारे कीमे की टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब मैं इसे ऑयल में फ्राई मैंने तवा लिया है, उसमें मैंने आधा बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का डाला है। कुकिंग ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और अब मैंने इसके नीचे लो फ्लेम कर दिया है। अब जो मैंने कीमे की टिक्की बनाई थी वो इस ऑयल के अंदर मैं रखूँगी। बारी बारी मैं सारी टिक्कियाँ ऐसे कुकिंग ऑयल के अंदर रख दूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर अंडा लगा के भी कर सकते हैं। हरी टिक्कियाँ कुकिंग ऑयल के अंदर रख दी हैं। इसका साथ साथ ख्याल रखना है हमने, ये जब नीचे से लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा इसका तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें, नीचे से लाइट ब्राउन कलर हो गया इसका। ऐसी सब टिक्कियों की मैं साइड चेंज कर दूंगी। साइड मैंने इसकी चेंज कर दी है और इसके नीचे मैं फ्लेम थोड़ी और लो करूँगी और जब नीचे से भी इसका कलर लाइट साइड चेंज की है। ये इसमें कुकिंग ऑयल के अलावा ये देखें इसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया है। ये पानी भी इसका ड्राई हो गया। मैंने लो फ्लेम पे पकने के लिए रखा हुआ था, हम चेक कर लेंगे। ये देखें इसकी साइड अभी दूसरी कच्ची है, इसे दोबारा उसी साइड पर रख देंगे और इसमें से भी इतना सारा पानी निकल गया है तो हम थोड़ी सी मीडियम फ्लेम कर देंगे इसके नीचे। ये देखें पूरे 5 मिनट बाद देखें इसका पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें गाइस, सेकंड साइड भी इसकी लाइट ब्राउन कलर की हो गई है। इतनी मज़े की और स्पाइसी डिश है, आप इसे ट्राई करें। तकरीबन बन के तैयार है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे प्लेट में निकाल लूंगी।